एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुरु तो बहन की शादी कराएगा मुझसे। अरे तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। कौन सी अंडरवर्ल्ड डॉन पर होगी मूवी? इस बार कौन सी एक्ट्रेस के साथ सलमान होंगे स्नैप? क्या सलमान चाहते हैं कोई और डायरेक्टर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। वांटेड 2 के एक्टर सलमान खान जो इतने बड़े एक्टर हैं, वो आज भी रखते हैं इस विश्वास में भरोसा कि जो भी होता है एक लकी चार्म की वजह से होता है। हाँ जी, भाई जान का ये मानना है कि जो ब्रेसलेट वो पहनते हैं उनका लकी चार्म है। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि इसी ब्लू ब्रेसलेट की वजह से उनकी मूवीज हिट होती है। एक बार गलती से सलमान ने एक पार्टी में अपना लकी ब्रेसलेट खो दिया था। फिर क्या, सलमान ने पूरे पार्टी को सर पर उठा लिया और सब ढूंढने लग गए सलमान के इस लकी ब्रेसलेट को। लेकिन इस बार सलमान अपने इस लकी ब्रेसलेट को छोड़ने वाले हैं। मतलब वांटेड 2 में नहीं देखने मिलेगा हमें सलमान का ब्रेसलेट। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सलमान बिना ब्रेसलेट अपनी मूवी हिट कर पाते हैं कि नहीं। इस बार वांटेड 2 की स्टोरी की बात करें तो जैसे कि वांटेड का जॉनर एक्शन कॉमेडी और ड्रामा था, इस बार एक्शन कॉमेडी और ड्रामा के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन की बायोग्राफी भी होगी। अब एग्जैक्टली बायोग्राफी किस डॉन की होगी वो नहीं पता, लेकिन ये पता चला है कि छोटा राजन को लेकर सेट पर होती है काफी चर्चा। तो हो सकता है छोटा राजन ही है वो डॉन जिसके ऊपर वांटेड 2 की स्टोरी हो। अब बात करें सलमान की अफेयर्स की तो अक्सर वो अपने को एक्ट्रेस के साथ दिल लगा बैठते हैं। इस लिस्ट में जैकलीन, ऐश्वर्या, माधुरी, कैटरीना और लूलिया वेंटूर का नाम शामिल है। आपको बताते हैं इस बार माधुरी दीक्षित आ सकती है नजर वांटेड 2 में, और कहीं इनका सालों पुराना कनेक्शन मीडिया वाले जोड़कर कहीं न्यू ना बना दे, ये सच में कहीं फिर से ये दोनों एक दूसरे से दिल ना लगा बैठे। देखो जो भी हो, माधुरी और सलमान को फिर से बड़े पर्दे पर सालों बाद साथ में देखने का मजा कुछ और ही है। प्रभु देवा जो वांटेड 2 के डायरेक्टर हैं, अभी के लिए शायद हो सकते हैं वो रिप्लेस। आपको बता दे वांटेड के सेट पर सलमान और प्रभु का हो गया था झगड़ा, फिर कई सालों तक दोनों ने नहीं की एक दूसरे से बात, लेकिन वांटेड 2 के लिए दोनों साथ में फिर से आ गए। बट सलमान कर सकते हैं प्रभु को डिच, क्योंकि सलमान नहीं चाहते हैं प्रभु को अपने आस पास भी रखना, और वो वांटेड 2 में डायरेक्टिंग का मौका अपने सबसे खास पसंदीदा इंसान महेश मांजरेकर को देना चाहते हैं। आपको बता दें महेश मांजरेकर ने हाल ही में सलमान की अंतिम मूवी डायरेक्ट की है, और उन्होंने सलमान को उनकी करियर में आगे बढ़ने के लिए भी काफी सपोर्ट किया है। तो लेटेस्ट मूवीज की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कॉमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर आ रहे हैं एक नई इंटरेस्टिंग मूवी न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।